हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। रतिया से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण दास नपा ने भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज नामांकन भरा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए रतिया उम्मीदवार लक्ष्मण दास नपा ने कहा कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया है, उन्होंने भरोसा दिलाया कि रतिया की समस्याओं को भलीभांति जानते हैं और जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता होगी कि शहर की सभी समस्याओं का समाधान करवाया जाए, उस पर खरा उतरेंगे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी पार्टी की जीत का दम भरा और कहा कि लोगों ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का मन बनाया है। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फूट के कारण बिखर चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हों, वो पार्टी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। में मेरे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे में विश्वास दिखाया है, मैं उनकी आशाओं पे खरा उतरूंगा। और जो पिछले 3-4 दिनों से रतिया का माहौल बन रहा है, सभी लोगों में जो हमारे शहर के लोग हैं, गांव में हैं, मंडी के आड़ती हैं या गरीब तबका है, पूरा उत्साह है। और मैं ये सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये सीट जीते। जितनी ज्यादा पार्टियां हैं तो हमें तो अच्छा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार का नारा है, पहली बार रतिया में कमल खिलेगा। 90 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आज सब दलों से आगे दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से जनता का मन बना हुआ है। और लोग ये चाहते हैं कि एक बार फिर से ऐसी ही पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से बुरी तरह से आज त्रस्त है, वो हताश है, निराश है। जब किसी पार्टी के बड़े नेता अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वो हार मान चुके हैं।